ठीक, देखो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, कई लोग बोलते हैं एनसीईआरटी के सिलेबस इसमें नहीं है, हालांकि उसमें मेंशन किया हुआ है, नाम लिख के छोड़ा हुआ है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच का, बुक्स इसको समझाती भी हैं, लेकिन मेरा ये मानना है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के अंदर। पता नहीं क्यों हटाया, हटा भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बिना आपको एम्पलीफायर भी समझ आने वाला है नहीं, तो दोनों एक जैसे ही हैं। तो इट मीन्स कि ये हो ना हो एक ही बराबर है सिलेबस में, हमने इसको करना है एज अ स्विच, और रादर हम तो स्टार्ट भी एम्पलीफायर छोड़ के स्विच से कर रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले आप डायग्राम किसका बनाएंगे, कॉमन एमीटर का, बेस छोड़ दो, कॉमन एमीटर का, एनपीएन बेस्ट एफिशिएंसी देता है, तो हम कॉमन एमीटर का एनपीएन बनाएंगे। आपने इसमें कॉमन एमीटर बनाया, एमीटर की वायर इनपुट आउटपुट में क्या है, कॉमन है, ठीक। अब इसके अंदर इनपुट आउटपुट में कॉमन है, तो आपने एक रेजिस्टेंस लगाई इनपुट में आरबी, आपने एक रेजिस्टेंस लगाई आउटपुट में आरसी, एक आरबी हो गया और एक आरसी हो गया, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस लगेगी इसमें। नेक्स्ट बैटरी रिवर्स बाइसिंग में लगेगी, इसमें वीसीसी, इसमें लगेगी वीबीपी, हालांकि इसमें रियोस्टैट्स भी बना रखे हैं और वोल्ट मीटर भी लगा रखे हैं, वोल्ट मीटर मत लगाओ तो भी चलेगा, इसमें रियोस्टैट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, रादर मैंने तो, अगर आप चेक करो, मैंने वही बेसिक डायग्राम में बना रखा है, इसमें मैंने बेसिकली जो एम्पलीफायर हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, एम्पलीफायर का डायग्राम और स्विच का डायग्राम ही सेम कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस चार चीज़ें ध्यान से देखनी है। एक तो वो कॉमन एमिटर में रखोगे एनपीएन, पहली चीज़ ध्यान से देखनी है कि आप इनपुट में बैटरी लगाएंगे वीबीपी, कैपेसिटर ना लगाएं, क्योंकि कैपेसिटर चाहिए होता है एम्पलीफायर में, इसमें नहीं चाहिए कैपेसिटर, तो इसको हटा देंगे तो भी चलेगा। चार चीज़ें बनानी है स्विच में, एक ये डायग्राम बनाना है, ये बैटरी बनानी है आरबी, ये बनाना है वीबीबी, ये बनानी है वीसीसी, और एक इसमें बनाना है आरसी। ये चार चीज़ें चाहिए होती हैं, एक रेजिस्टेंस आउटपुट की, ये बैटरी की, ये बैटरी, और ये रेजिस्टेंस। स्विच बनाने के लिए बस चार चीज़ें चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो बेसिक डायग्राम्स, चाहे एम्पलीफायर हो, चाहे स्विच हो, चाहे करेक्टरिस्टिक्स हो, कुछ भी हो, बेसिक डायग्राम एम्पलीफायर का विल रिमेन सेम। मतलब ट्रांजिस्टर एज अ जो कॉमन एमीटर का डायग्राम बनाते हो, एक याद कर लो ये वाला, जो भी करना है बस हर जगह वही बनाते जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। करें स्टार्ट एज अ स्विच। अब स्विच होता क्या है, स्विच ये होता है कि मैंने एक रिमोट का बटन बनाया या रिमोट उठाया, मैं टीवी को ऑन और ऑफ करना चाहता हूं, तो एक तरीका मैं टीवी पे जाके एक बटन लगा दूं टॉगल स्विच, जो कि जैसे पुराने जमाने में आता था वो स्टील का, नीचे करोगे टीवी ऑन, ऊपर करोगे टीवी ऑफ, जैसे हमारे घरों में वो एमसीबी लगे होते हैं, तो ऐसे ही लगते थे पहले। फिर एक नया तरीका आया, स्प्रिंग वाला स्विच आया, बटन दबाओगे टीवी ऑन होता था, बटन दबाओगे टीवी उसे ऑफ करते थे। इनमें प्रॉब्लम क्या थी, स्विच टूट जाते थे बहुत देर के बाद, तो रोज ही ऑन ऑफ होना है, स्विच टूट जाते थे, फिर मैकेनिक बुलाओ और पहले स्विच ठीक करो, तो टीवी स्टार्ट नहीं होता था, अगर हाथ में आ जाएगा स्विच, फिर पिन मार मार के या पेन मार के उसे हम स्टार्ट करते थे, स्प्रिंग था ना, स्प्रिंग का काम तो फिर अब करना ही पड़ेगा। तो ये तरीका था, तो बहुत ही मतलब उस टाइम के हिसाब से बड़ा बहुत अच्छा तरीका था, पर आज के हिसाब से अच्छा था, आज के हिसाब से रिमोट सबसे बेस्ट तरीका है, और रिमोट जल्दी जल्दी खराब भी नहीं होते, रिमोट का बटन बहुत सालों तक चलता जाता है, 1,00,000 बार भी बटन दबाओगे ना रेड बटन, बटन प्लास्टिक की वजह से टूट जाए लेकिन स्विचिंग एक्शन खराब नहीं होता उसका, ना उसमें कोई स्प्रिंग है ना उसमें कुछ और चीज है, उसमें लगा हुआ है ट्रांजिस्टर। तो जो ट्रांजिस्टर है वो स्विच की तरह काम कर देगा, और एक बार बटन दबाओगे ऑन हो जाएगा टीवी, उसी टाइम दबाओगे तो वो ऑफ हो जाएगा, वो क्या कर रहा है एक्चुअल में, इसको एक बार समझते हैं, ठीक। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, ठीक, देखो
इसके अंदर आपको क्या आना चाहिए कि एक इनपुट और एक आउटपुट सेक्शन है इसमें. सबसे पहले मैं आपको ना दो तरीकों से समझाऊंगा इनपुट आउटपुट वोल्टेज कैसे लिखनी है आपने. एक शॉर्टकट है, एक सीधा तरीका है. पहले समझ लो फिर लिख लेना. इनपुट में आपके हाथ में क्या है, इनपुट के अंदर आपके हाथ में ये बैटरी है. आप जब बाइसिंग चेंज करते हो तो आपके हाथ में ये बैटरी की बाइसिंग चेंज करनी है, तो आप वोल्टेज को बढ़ाओगे या कम करोगे, तो इनपुट में क्या आएगा, ये बैटरी. ये बैटरी ही आपकी इनपुट मानी जाएगी. पर आउटपुट के अंदर ये बैटरी आउटपुट नहीं होगी, क्योंकि आउटपुट के अंदर आपकी जो ये रेजिस्टेंस है इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो बची हुई वोल्टेज होगी वो आपकी आउटपुट होगी. जैसे अगर मैंने इनपुट वोल्टेज लिखनी है तो मैं सीधी सीधी लिख दूंगा वी बी बी. ये देखो, सिर्फ ये देखना, इनपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट जो वोल्टेज है सीधी क्या लिखूंगा, वी बी बी. आगे मत देखना, बाकी क्लियर है. अच्छा, आउटपुट वोल्टेज में, आउटपुट में बैटरी क्या लगी हुई है, वी सी सी. इस बैटरी में से पोटेंशियल ड्रॉप को माइनस कर दो, इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, आई सी इंटू आर सी. तो आउटपुट सीधी हो गई कितनी, वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी, विच इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड ई. सी और ई के बीच में आएगी. लेकिन इसको किरचॉफ लॉ से लिखने का भी तरीका है. किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंगली इनपुट के अंदर बैटरी की वोल्टेज कितनी है, वी बी बी. यहां की वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट में से मान लो ये 8 वोल्ट डेवलप हो गया, तो बचा हुआ किस में चला गया, बेस और एमीटर के बीच में चला गया. तो ये देखो इनपुट वोल्टेज क्या है, वी बी बी. इनपुट वोल्टेज वी बी बी किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इसमें. इसकी वैल्यू कितनी है, आई बी इंटू आर बी, और बची हुई किस में, वी बी ई में. ये स्टेप क्लियर है, ठीक, फर्स्ट लाइन. दूसरा, आउटपुट किसके इक्वल है, जो आउटपुट ली जाती है वो बैटरी की नहीं ली जाती, आउटपुट ली जाती है वी ऑफ सी ई के बीच में, सी ई के बीच में यहाँ पर. तो आउटपुट में हम क्या करेंगे, वी सी ई. लेकिन अगर हम किरचॉफ लॉ लगाएं तो बैटरी की वोल्टेज कितनी है, वी सी सी. बैटरी की वोल्टेज वी सी सी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी किस में, एक तो इसमें और एक सी और ई के बीच में. तो इसके अंदर कितनी है, आई सी इंटू आर सी और प्लस वी ऑफ सी ऑफ ई. तो ये रही. तो यहां से लेकिन हम आउटपुट वी सी सी नहीं मानते, इसमें आउटपुट क्या मानते हैं, सी और ई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मानते हैं. तो वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी. तो ये मेरी आउटपुट वोल्टेज है, तो मेरी आउटपुट वोल्टेज का ये फॉर्मूला बन जाता है. इसमें इनपुट क्लियर है, इनपुट के अंदर वी बी बी कुछ इसमें चली गई, कुछ इसमें चली गई, ये वैल्यू आ गई. आउटपुट में ये नहीं होगी, आउटपुट में सी और ई के बीच में होती है, क्योंकि टर्मिनल लगे होते हैं सी और ई के बीच में. तो फाइनल आउटपुट जो लेनी होती है कलेक्टर और एमिटर के बीच में होती है, जो कि किसके इक्वल होगी, वी सी सी. एक्चुअल में तो कंट्रोल कौन कर रहा है इसे, बैटरी वी सी सी. तो किरचॉफ लॉ से वी सी सी इज डिवाइडेड इनटू दिस प्लस वी सी ई की वोल्टेज. तो यहां पर क्या आएगा, वी सी ई इज इक्वल टू, या वी सी सी इज इक्वल टू आई सी इंटू आर सी प्लस वी ऑफ सी ई. तो वी सी ई एक तरफ जो कि आउटपुट है, जो कि इसके इक्वल है. चलो मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं आपको, छोड़ दो इस मैथमेटिक्स को. आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि मैंने इनपुट देनी है, अब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू मैं आपसे पूछ रहा हूं कितनी दें. तो आपने मुझे बताया कि इनपुट वोल्टेज की जो वैल्यू है इस बैटरी, ये बैटरी 10 वोल्ट की है, तो यही मेरी इनपुट है, ठीक. इनपुट में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जो इनपुट से जो वोल्टेज निकलेगी 10 वोल्ट, वो आगे जाके सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप कर लेगी. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि इनपुट वोल्टेज ये रही 10 वोल्ट की, कुछ इसमें वोल्ट चला जाएगा, कुछ आगे चला जाएगा. एक पॉइंट हो गया. दूसरा, आउटपुट के अंदर मैंने बताया कि देखो ये बैटरी लगी हुई है, मुझे आउटपुट बताओ कितनी है. अब आउटपुट की ये प्रॉब्लम होती है कि जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको माइनस करके आंसर आता है. जैसे आपने मुझे बताया कि आउटपुट जो आ रही है इस बैटरी की वजह से वो 15 वोल्ट की है, लेकिन आप मुझे ये बता रहे हो कि मैं आपको 15 वोल्ट एज एन आउटपुट दे नहीं पाऊंगा. मैंने पूछा मुझे 15 वोल्ट आउटपुट क्यों नहीं दे पाओगे, तो आपने बोला देने से पहले क्या कनेक्टेड है इसमें, रेजिस्टेंस, जिसका पोटेंशियल ड्रॉप पहले माइनस होगा, जो बचा हुआ फिर वो आप मेरे से आउटपुट ले लो. तो अगर ये 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट में से जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा आपको कम ही मिलने वाला है. लेकिन जब मैंने बोला कि जब देने की बात आई थी, जब इनपुट की बात आई थी, तो उसमें तो आपने माइनस करके मुझसे नहीं लिया, क्योंकि इनपुट में टोटल पोटेंशियल ही मान लो 10 वोल्ट था, वो आगे जाके क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा वोल्टेज की फॉर्म में. लेकिन आउटपुट लेते हुए आप मुझे कट करके दोगे वोल्टेज, तो कट करके किस में दोगे, वी सी सी में से इसका पोटेंशियल ड्रॉप माइनस करके आउटपुट दोगे.
हालांकि ये कैलकुलेशन इतनी नेसेसरी नहीं है, चाहिए नहीं होती, बस मुझे एक चीज़ चाहिए होती है कि आप आउटपुट वोल्टेज को आप लिखना सीख लें जो कि वी सी सी आई सी इन टू आर सी के इक्वल होगा, दैट्स इट। आप ये इक्वेशन लिखे ना लिखे नहीं चाहिए, ये मैंने खुद बनाई है इक्वेशन अपने अकॉर्डिंगली, आपकी बुक्स में नहीं लिखी हुई, बुक में सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो मैंने इसको आउटपुट मानते हुए फिर ये उल्टी इक्वेशन बनाई हुई है, पर जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये लिख सकते हैं, तो आउटपुट वोल्टेज इसके इक्वल आएगी। ठीक, तो आउटपुट वोल्टेज लिख लिया आपने, ठीक है यहां तक। तो आउटपुट वोल्टेज अगर आज के बाद पूछी जाए किसी ट्रांजिस्टर में तो आपने क्या बोलनी है, बैटरी की वोल्टेज में से पोटेंशियल ड्रॉप माइनस कर देना है। और इसमें कैपेसिटर क्यों लगा हुआ है, स्विच में कैपेसिटर की जरूरत नहीं होती, एम्पलीफायर में जरूरत है, पर मैंने एम्पलीफायर का डायग्राम पेस्ट किया हुआ है, आप कैपेसिटर हटा दो, बचा हुआ क्या एक्ट करेगा, स्विच। ठीक है यहां तक, मेन चीज समझ में आ गई, ये रही फॉर्मूला। अब देखो इसमें क्या होने वाला है, स्विचिंग एक्शन कैसे होता है, इस कुछ मत लिखना, पहले सिर्फ समझना है। ठीक, बुक्स में ऐसे नहीं लिखा हुआ इतने आराम से, जो स्लाइड पे बहुत क्लियरली समझाया हुआ है, समझो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, पीछे से इनपुट में, इनपुट में जो, क्योंकि ट्रांजिस्टर है तो इनपुट सेक्शन आउटपुट सेक्शन है, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू मैंने जीरो रखी, मैंने बैटरी लगाई ही नहीं सपोज इनपुट में, तो बाइसिंग नहीं होगी, इनपुट करंट नहीं होगा, तो आउटपुट करंट भी नहीं होगा। तो ये समझ में आ रहा है पहला, जब इनपुट जीरो है तो फिर इनपुट करंट कौन है इसमें, बेस, बेस करंट क्या होगा, जीरो। आउटपुट में कौन है, कलेक्टर, तो कलेक्टर करंट भी नहीं होगा, जब इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट करंट कैसे होगा, जीरो। और अगर आउटपुट करंट आई ऑफ सी जीरो हो गया तो आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल हो गई, वी सी सी विच इज अ कॉन्स्टेंट। तो मेरे ख्याल से यह समझ में आ रहा होगा कि जब मैंने इनिशियली वी इनपुट को जीरो रखा तो ऐसे केस में आउटपुट क्या आ गई, कॉन्स्टेंट। ये समझ में आया यहां तक, इस रीजन को क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन, बताया था मैंने कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब कि आपने बाइसिंग ही नहीं की, या बाइसिंग करने की कोशिश की, स्टार्ट ही नहीं हुई बाइसिंग, और बाइसिंग स्टार्ट नहीं हुई तो करंट की कंडक्शन इसमें नहीं होगी, तो आउटपुट क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। इस स्टेट में लगता उल्टा है ट्रांजिस्टर में कि वोल्टेज आ गई तो शायद ऑन हो गया अभी, यानी कि आपका ट्रांजिस्टर का एक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं, जब बाइसिंग ही नहीं हुई तो एक्शन कहां से आया, इसलिए ये कौन सी स्टेट में, ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में। समझ में आ रहा है यहां तक, ये ऑफ स्टेट का ट्रांजिस्टर, ये ऑन नहीं हुआ अभी। ठीक, और ऑफ और ऑन स्टेट जो देखी जाती है वो वोल्टेज से नहीं देखी जाती, वो किससे देखी जाती है, करंट से देखी जाती है। तो हम बोलेंगे जब आउटपुट करंट ही नहीं है तो वो ऑफ स्टेट है, करंट ऑफ है तो ऑफ है, इस रीजन को कट ऑफ रीजन बोलते हैं। पहला स्टेप क्लियर है। अब मान लो एक मिनट के लिए मैंने बाइसिंग को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, ठीक है, मैंने वोल्टेज बढ़ाई इनपुट की, जब इनपुट वोल्टेज बढ़ाई तो इनपुट करंट बढ़ा, इनपुट करंट बढ़ा तो आउटपुट करंट बढ़ा, आउटपुट करंट बढ़ा, अब जीरो नहीं है, अब आईसी की वैल्यू जीरो नहीं है, आउटपुट करंट बढ़ा, अब ये चीज तो कांस्टेंट है बैटरी की, तो आउटपुट की वैल्यू क्या होनी स्टार्ट हो गई, कम होनी स्टार्ट हो गई। तो यानी कि ये जो फंक्शन है, ये जो वैल्यू है, वो क्या होनी स्टार्ट हो गई, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे आईसी बढ़ेगा, बाइसिंग बढ़ेगी, पीछे से आईसी बढ़ेगा, आईसी बढ़ेगा तो आउटपुट कम हो जाएगी, तो आउटपुट कम होनी स्टार्ट हो गई, कम होती गई होती गई। अब एक ऐसी वैल्यू आई जब IC क्या हो गया, आउटपुट करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। ये कौन सा करंट होता है मैक्सिमम, क्या इससे ज्यादा वैल्यू आ नहीं सकती, नहीं आ सकती, कोई बताएगा क्यों, IC मैक्सिमम का मतलब क्या है, कौन सा करंट आ गया, सैचुरेशन, क्योंकि आउटपुट में कौन सी बाइसिंग हुई हुई थी, रिवर्स, और रिवर्स करंट में या रिवर्स बाइसिंग में एक बार करंट सैचुरेशन वैल्यू पे आ जाता है फिर तो सीधा ब्रेकडाउन ही होगा, पर ब्रेकडाउन में होने नहीं देंगे नहीं, तो कौन सी वैल्यू अचीव कर गया, इससे ऊपर वैल्यू नहीं आ सकती। तो यानी कि एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जब ये वोल्टेज क्या हो जाएगी, एकदम मिनिमम, तो मिनिमम का मतलब कम 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 होती होती क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम। तो इस केस में जब ये मिनिमम हो गई वोल्टेज, उस केस में करंट मेरा क्या था, मैक्सिमम, यानी कि मेरा ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट भी नहीं हो गया, अब मेरा ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में हो गया, क्योंकि करंट इसमें मैक्सिमम जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कौन सी स्टेट आ गई, ऑन स्टेट है। और ये ऑफ स्टेट है ट्रांजिस्टर, ये ऑन स्टेट है, ये ऑफ से ऑन होने की का प्रोसेस है, बीच में टाइम ले रहा है ऑफ से ऑन होने में।
तो जब वो ऑफ था इसको कट ऑफ रीजन बोलते हैं, जब वो ऑन हो गया तो करंट सेचुरेशन पे आ गया तो इसको सेचुरेशन रीजन बोलते हैं, और जब वो ऑफ से ऑन हो रहा है तो कौन सा रीजन बोलते हैं, एक्टिव रीजन बोलते हैं। और अगर आपको एक बढ़िया स्विच बनाना है तो क्या चाहते हो कि टाइमलेस स्विचिंग एक्शन में आप बटन दबाओ और फिर 2 सेकंड के बाद टीवी ऑन हो, कितनी इरिटेशन होगी। टाटा स्काई में तो कभी हो भी जाती है, वो सेटअप बॉक्स दबाते रहो वो टाइम लेता है सिग्नल कैच करने में, या स्टार्ट करते हैं टाइम लेता है सेटअप बॉक्स। तो टीवी के अंदर ऐसा नहीं होता, टीवी एकदम जल्दी स्टार्ट होता है, बस उतना ही टाइम लेता है कि रेडिएशन जितनी टाइम लेगी क्रॉस करने में। तो यानी कि आप चाहते हो कि ऑन ऑफ इमीडिएटली हो, तो आप एटम ही ऐसा यूज करें सिलिकॉन का जिसका जो ये जो एक्टिव रीजन है वो काफी कम हो। जितना छोटा एक्टिव रीजन होगा उतना ही बढ़िया स्विचिंग एक्शन होगा, इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। अब इसको प्रैक्टिकल रिलेट कैसे करना है, मेरे हाथ में टीवी का रिमोट है, रेड कलर का बटन है, मैंने बटन दबाया। जब मैंने बटन दबाया तो जो फॉरवर्ड बायसिंग वाला सिग्नल था ना, ये फॉरवर्ड बायसिंग वाला जो आधा हिस्सा है वो तो है मेरे हाथ में, और रिवर्स बायसिंग किसमें हो रखी है, टीवी के अंदर हो रखी है। नॉर्मली तो वायर से कनेक्टेड होते हैं पर यहां पर बिल्कुल वायरलेस है, यहां पर जो है वायर्स नहीं लग रही, यहां पर रेडिएशन से उनको कनेक्ट किया जा रहा है। तो जब मैं बटन दबा रहा हूं तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, लेट अस सपोज मैंने कलेक्टर करंट को जीरो कर दिया, जीरो कर दिया। तो जब मैंने बटन दबाया और मैंने करंट को क्या किया, जीरो किया, मेरे हाथ में मैंने अपना करंट जीरो कर दिया, उसका मान लो बेस करंट जीरो, मतलब मैंने बायसिंग नहीं की बेसिकली। तो मेरे हाथ में रिमोट तो मेरे हिसाब से काम करेगा, तो मैंने अगर बायसिंग नहीं की इनपुट की तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा, कॉन्स्टेंट, टीवी ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां का जो सिग्नल है आउटपुट, आउटपुट क्या देगा, नहीं आई एम सॉरी उल्टा बोल गया, इसमें आउटपुट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम का मतलब क्या है, फिर से एक बार देखते हैं, स्विच ऑन या ऑफ करेगा इफ वी मेक इनपुट करंट जीरो। तो अगर मैंने इनपुट करंट को क्या किया, जीरो कर दिया, जीरो कर दिया, तो मेरी आउटपुट क्या आएगी, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब टीवी को पता लग जाएगा कि आउटपुट कॉन्स्टेंट करनी है, तो टीवी स्टार्ट हो जाएगा, आउटपुट में वोल्टेज आनी स्टार्ट हो जाएगी ना। हालांकि स्विचिंग एक्शन ऑफ है, स्विच मैंने स्विचिंग एक्शन के हिसाब से ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में है, लेकिन टीवी को सिग्नल मिल गया कि आउटपुट कांस्टेंट रखनी है तो वो टीवी स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं फिर से बटन दबाऊंगा तो फिर से अलग जो बायसिंग होगी वो बायसिंग क्या होगी, अब करंट को मैं मैक्सिमम कर दूंगा क्योंकि सेल रिमोट के अंदर मेरे पास। तो एक बार वो बायसिंग को करंट को मिनिमम करता है, एक बार करंट को वो मैक्सिमम करता है, रिमोट का यही काम है। तो जब वो फॉरवर्ड बायसिंग में रिमोट होता है उसके अंदर जो जो ट्रांजिस्टर होगा उसमें जब मैं करंट को क्या करूंगा, मैक्सिमम, और जो करंट मैक्सिमम होता है तो बाहर की टीवी की आउटपुट क्या हो जाएगी, जीरो, टीवी बंद हो जाएगा। आउटपुट जीरो का मतलब टीवी बंद हो जाएगा। तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक प्रिंसिपल है कि कैसे ऑन ऑफ किया जा सकता है एक स्विचिंग एक्शन से, और कैसे मैंने इस सर्किट को आधा अपने हाथ में रखा और आधा बाहर रखा। तो इसमें क्या है कि इनपुट मेरे हाथ में और आउटपुट टीवी के हाथ में। तो इस तरीके से स्विचिंग एक्शन कैन बी कंक्लूडेड। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे होगा स्विचिंग एक्शन, और ये समझ में आ रहा है ये सारी वैल्यूज कैसे लिखी, लिखना चाहते हो प्लीज लिख लो, इसमें लिख लिया ना जो डायग्राम बना हुआ है स्विचिंग का, उसमें भर लो। जो स्विच होता है उसके अंदर ये विड्थ जो एक्टिव रीजन है उसमें रखी जाती है छोटी, और जो एम्पलीफायर होते हैं उनमें ये विड्थ रखी जाती है बड़ी। वो
छोटी का तो अभी पता लग गया क्यों स्विचिंग एक्शन है, जब एम्पलीफायर करेंगे तब समझाऊंगा कि इसको बड़ा क्यों रखा जाता है। एम्पलीफायर के अंदर फिर से यही ग्राफ यूज होने वाला है, तभी मैंने स्विच पहले करवाया क्योंकि एम्पलीफायर में ये रीजन यूज होते हैं, कट ऑफ रीजन एंड सेचुरेशन रीजन, ठीक, मतलब इनडायरेक्टली स्विचिंग एक्शन तो उसमें यूज होना ही है, ठीक। अच्छा इसमें यहां तक तो एक्सप्लेन करना ही है, अब लिखना कैसे है ये भी सुन लो। स्विचिंग अगर एक्शन आता है स्विच के बारे में तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच हेडिंग, फिर आप क्या करोगे, आप लिखोगे इसमें जो उसका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में पूरा डायग्राम बनाओगे पूरा ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर के बाद डायग्राम बनाने के बाद आप उसमें ग्राफ मेंशन करोगे, ये ग्राफ मेंशन करोगे, इस ग्राफ के अंदर जब आप ग्राफ बनाओगे फिर आप लिखोगे इसमें स्विचिंग एक्शन, क्योंकि स्विचिंग एक्शन में बताना है ना कि ऑफ स्टेट है ऑन स्टेट है, फिर इस डायग्राम के बाद आप लिखोगे बड़ा सा कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू ये फॉर्मूला, आउटपुट वोल्टेज के फॉर्मूले को पेंसिल से बॉक्स में डालोगे ताकि लगेगा कि स्टूडेंट टीचर को कि हाँ इसका आउटपुट वोल्टेज पता है, फिर आप लिखोगे इसमें तीन स्टेजेस में हेडिंग डालोगे कट ऑफ रीजन, फिर ये लिखोगे, फिर आप लिखोगे एक्टिव रीजन, फिर लिखने का मतलब स्टेटमेंट लिखोगे कि इफ आई इंक्रीज वी इन देन बेस करंट इंक्रीजेज, आई सी इंक्रीजेज तो आउटपुट डिक्रीजेज, और ऐसे फिर आप लिखोगे सेचुरेशन रीजन, तीन रीजन की हेडिंग बनाओगे, फिर उसके बाद आप इसमें लिखोगे स्विचिंग एक्शन, स्विचिंग एक्शन में लिखोगे कि दिस रीजन कट ऑफ रीजन के अंदर करंट क्या रहता है जीरो, तो देयरफॉर ये कौन सी स्टेट में है, ये ऑफ स्टेट में है, और इस रीजन में करंट क्या होता है मैक्सिमम, तो इसको हम क्या लिखेंगे ऑन स्टेट। तीन नंबर के हिसाब से एक पेज या सवा पेज का तो लिख ही दोगे तो तीन नंबर मिल जाएंगे, ठीक। ऐसे मत लिखना डायग्राम सा बनाया बेकार सा छोटा सा और फिर चार लाइनें लिख दी, कुछ नहीं मिलना, सारा एफर्ट खराब हो जाएगा। लॉजिक गेट्स भी अभी तो ठीक। अच्छा इसके अंदर कई बुक्स में ये लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो और अंडरलाइन कर सकते हो ये वाली लाइन, फॉर अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर कट ऑफ वोल्टेज इज 0.6 वोल्ट, तो लिख देना ये भी बीच में कि अगर मान लो स्विच के अंदर हमने सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर यूज किया तो कट ऑफ वोल्टेज कितनी है उसकी 0.6 वोल्ट। तो इससे क्या सिग्निफिकेंस है, आपने ऐसे बोलना है अगर कट ऑफ वोल्टेज
0.6 वोल्ट है, 0.6 वोल्ट है, तो अगर आपकी इनपुट वोल्टेज 0.6 वोल्ट से कम रही, अगर आपकी इनपुट वोल्टेज 0.6 से कम रही तो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग होगी ही नहीं, तो आउटपुट करंट क्या आएगा, जीरो आएगा, और जीरो आउटपुट करंट में, जीरो आउटपुट करंट में आउटपुट वोल्टेज क्या आती है, कांस्टेंट, तो ट्रांजिस्टर स्टार्ट ही नहीं होगा। जैसे मेंस की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, ऐसी ट्रांजिस्टर की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई 0.6 से नीचे, तो फिर सीट नहीं मिलनी, ठीक। और अगर कट ऑफ क्लियर हो गई तो फिर आईसी इमेजिन करो कि बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर आप कहोगे कि देयर इज अ चांस कि वोल्टेज कम होती जाएगी और करंट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट जो हमने करना है वो करना है लॉजिक गेट्स, क्योंकि जो एम्पलीफायर है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे।